जयपुर ग्रामीण सीट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के बाद में छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वैशाली नगर में आम सभा की। सभा में योग गुरु बाबा रामदेव, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रहलाद गुज्जल सहित जयपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने शिरकत की। कर्नल राठौर ने सभा में कहा कि लोकसभा 2019 की जंग में हमको पिछले 5 साल और कांग्रेस के 50 साल के काम को आमने सामने रख करके जनता के बीच में जाना है। इसके साथ में राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो भाजपा के उत्साह से घबराए हुए हैं। वहीं पर बाबा रामदेव ने कर्नल राठौर के लिए वोट मांगते हुए कहा कि मैं पहली बार किसी के नामांकन के लिए आया हूं। बाबा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से मौन आसन पर हूं, लेकिन इसका कारण है कि देश की राजनीति में कुछ लोगों के बारे में पहले बहुत कुछ बोला है, इसलिए थोड़ा मौन रहना पड़ता है। साथ में रामदेव ने सभा में दावा किया कि कर्नल राठौर पहले से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। सभा में सभी के बीच में रामदेव ने कर्नल राठौर को अनुलोम विलोम योग करके बताया। आप मेरे नामांकन में आए, शुरू से स्कूल में थे तो शिक्षक गुरु थे, खेलों में गए तो हमारे कोच हमारे गुरु थे, राजनीति में आए तो हमारे जो लीडर, ऐसे लीडर जो आज तक भारत में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, वो हमारे लीडर, तो कहीं ना कहीं गुरुओं का साथ बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने कहा नामांकन में गुरु होना जरूरी है और आप पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी समय ऐसा है कि 2019 चुनाव और चुनाव नहीं, ये जंग हमारे सामने है। ये जंग सीधे सीधे पिछले 5 साल में जो काम हुआ और पिछले 50 साल में जो काम हो रहा था उसका आपस में मुठभेड़ है। सीधे सीधे 5 साल और 50 साल कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जितना काम हमने पिछले 5 साल में करा। एक इस तरह का नेता हमारे साथ है, हमारा लीडर, हर समय कहते हैं कप्तान मजबूत होना चाहिए। सेना का जो लीडर है वो अगर मजबूत हो तो पूरी सेना मजबूत है होती है। आप में फक्र है कि देश के सत्ता के सिंहासन पर वो व्यक्ति बैठा है जिसके रोम रोम में भारत माता का ऋण है और पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है कि जब तक मोदी जी देश की सत्ता पर है तब तक आतंकवादी सिर नहीं उठा सकते, तब तक देशद्रोही सिर नहीं उठा सकते, भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरे अब इस भारत माता को अपने क्रूर हाथों से और लूट नहीं सकते। और उस मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने खेलों में कदम बढ़ाया तो वहां पर ओलंपिक में मेडल दिला करके भारत माता का गौरव बढ़ाया, सेना में थे तो भारत माता का गौरव बढ़ाया और अब भारत सरकार में है तो भारत माता का गौरव